अब हम डिजाइनिंग एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं। इसमें दो तरीके के डिजाइन हैं जो हम देख रहे हैं आज। एक तो जैसे हमने इंसर्शन सॉर्ट के बारे में देखा, वो था हमारा इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में हम क्या करते थे कि ए वन से लेकर जे माइनस वन तक लेते थे, ए जे को सही जगह फिट करते थे, फिर हम बोलते थे ए वन जे इज सॉर्टेड, फिर अगेन वी अप्लाई दिस अगेन एंड अगेन। सो दिस इज इंक्रीमेंटल, ये इंक्रीमेंटल है। डिवाइड एंड कॉन्कर की बात करते हैं आज मर्ज सॉर्ट को लेंगे हम। एक बहुत अच्छा अप्रोच है ये। इसमें क्या करते हैं कि हम प्रॉब्लम को सब डिवाइड करते हैं अलग अलग सब प्रॉब्लम में, और उसके बाद उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रिकर्सिव तरीके से। ये हम आज बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। तो बेस क्लास क्या होता है कि अगर जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो छोटे हैं तो हमको ब्रूट फोर्स से सॉल्व करते थे। ब्रूट फोर्स होता है झाड़ू लगाना। कंबाइन करने का मतलब ये होता है कि जब हम सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन एकदम लास्ट पे पहुंच जाते हैं तो हम उनको कंबाइन कर लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन की बात होती है। तो मर्ज सॉर्ट को ध्यान से देखते हैं। मर्ज सॉर्ट मतलब ये होता है कि हम मर्ज करेंगे तोड़ने के बाद। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो बेस्ड है डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे ही, और जो इसका वर्स्ट रनिंग टाइम है वो काफी बहुत अच्छा है आपके इंसर्शन सॉर्ट से। ये हम अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम करते क्या है कि हम जैसे वन से लेकर एन, हमने पी यहाँ वन माना, आर यहाँ पर एन माना, तो ए पी आर यानी कि एरे है वन से लेकर एन तक, पी आर हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइड कैसे करना है कि हम पी से लेकर क्यू, क्यू तक जाते हैं, फिर क्यू प्लस वन से लेकर आर तक जाते हैं, पी से आर तक था ना, दो भागों में डिवाइड करते हैं, ये भाग एक भाग, हाफ में पॉइंट कर लेते हैं क्योंकि मर्ज सॉर्ट में हम नॉर्मली उसको आधे में डिवाइड करते हैं। फिर हम कॉन्कर करते हैं इसको, इसको और इसको, दोनों को कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको फिर रिकर्सिवली फिर तोड़ देते हैं, इसको रिकर्सिवली फिर तोड़ देते हैं, इसको इसको फिर आधे भाग में तोड़ देंगे, इसको आधे भाग में, और तब तक करते रहेंगे जब हम एक पे ना पहुंच जाए, लास्ट में ना पहुंच जाए। और जब आखिरी में पहुंच जाएंगे, जब एक एलिमेंट रह जाएगा, फिर हम इसको मर्ज कर देंगे, जो सारे आखिर में बच गए, एन एलिमेंट्स बच गए लास्ट में आ गए, उन सबको हम जोड़ देंगे, हम मर्ज भी देखेंगे अभी। तो इस तरीके से करते हैं मर्ज सॉर्ट का। एक सिंपल अगर मैं उसका एक आपको अवतरण दिखाऊं तो कितना आसान है। अगर आप पी लेस देन आर है, पी और आर आपने देख लिया क्या है, पी और आर, तो आप क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे बीच में, बीच में एक डिवाइड बाय टू कर देंगे। हमने ये जो लिया है वो आपके सीलिंग के लिए लिया हुआ है ताकि हमको इंटीजर नंबर चाहिए, अरे से डील कर रहे तो इंटीजर चाहिए होगा। मर्ज सॉर्ट हम करेंगे किस पे, ए से लेकर पी तक, मतलब ए का पी से लेकर क्यू तक, फिर मर्ज सॉर्ट करेंगे क्यू प्लस वन से लेकर आर तक, यानी एक पार्टीशन आपका ए पी से क्यू तक होगा और दूसरा पार्टीशन आपका क्यू प्लस वन से लेकर आपका आर तक होगा। फिर ये करते चलेंगे क्योंकि देखिए मर्ज सॉर्ट ये क्या है, ये दोनों नाम सेम है, इसका मतलब ये इसको कॉल करेगा, फिर ये इसको कॉल करेगा, ये कॉल करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, जब तक हम एक पे नहीं आ जाएंगे, और एक पे आ गए तो हम इसको फिर मर्ज कर देंगे जितना भी आपको आखिर में मिला, ए पी क्यू आर वी कंबाइंड। तो इनिशियल कॉल किस तरीके से, इसको इस तरीके से समझिए, यहां तक ये बताने की जगह मैं आपको यहां से बताना ज्यादा अच्छा समझूंगा कि अगर हमारे पास एन इक्वल टू एट एलिमेंट्स है, हम एन इक्वल टू एट ले रहे हैं, टू क्यूब, क्योंकि हम टू दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए तो हम करते क्या है कि हमने ये एक एरे लिया जिसमें आठ भाग है, हमने क्या किया इसको दो भाग में तोड़ दिया, ये बना दिया ये बना दिया, फिर इसको दो भाग में तोड़ दिया ये बना दिया ये बना दिया। पहले मैं तोड़ के दिखाता हूँ इनको, जैसे आठ नंबर है तो आठ एट प्लस एट बाई टू, ये कितना, टू फोर एट, तो ये चार पे आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, आखिर में क्या एक एक नंबर बन गए, लास्ट में एक ही बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, यहाँ रख देंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, यहाँ रख देंगे, फिर इन ये पार्टीशन कंबाइन कर लेंगे, यहाँ एक में आ जाएगा, फिर आखिर में ये दोनों बचे, ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, तो फाइनल आपको जो एरे मिलेगा, देखिए सॉर्टेड आपको एरे मिलेगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो इसे सुन रहे हैं, वो ध्यान से देखिए कि वो बोलेंगे कि एन इक्वल टू टू की पावर क्यों, ग्यारह क्यों नहीं हो सकता, तो चलो ग्यारह पे भी देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, ग्यारह पे डिवाइड करेंगे, तो जैसे इलेवन बाय, ये ग्यारह नंबर है, इलेवन बाय टू करके देखिए आपके आता है 5.5 आता है ना, तो पांचवें नंबर पे एक दो तीन चार पाँच छः छः, यहाँ पर हम इसका अगर हम देखें, ये देखिए एक से लेकर ग्यारह तक है, तो ग्यारह नंबर के बाद हम टू करेंगे 5.5 हम इसका सीडिंग ले लेते हैं, तो सिक्स हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं, तो ये छः एक दो तीन चार पाँच छः नंबर हो गए, बाकी यहाँ पर रख देते हैं, इसको फिर डिवाइड कर लीजिए। अब बार बार ये करते रहिए आप इसको, अब जो नंबर है एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः नंबर है तो छः बाय दो कर दीजिए, कितना तीन, तो तीस, इस जगह पे आके इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इस जगह पे आके, तो ऐसे डिवाइड करते रहेंगे, लास्ट में एक बच जाएगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे सॉर्टेड ऑर्डर, इन दोनों करेंगे सॉर्ट, ये इन दोनों करेंगे सॉर्टेड ऑर्डर, ये दो, ये जो दो आपके बने ना, ये अलग जाएंगे, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएंगे, ये अलग जाएंगे, फिर उसके बाद जिस तरीके से टूटे थे वैसे कंबाइन होते चले जाएंगे। तो मर्जिंग मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम जो हमने तोड़े हैं उनको हम मर्ज कर लें। अब इसमें ये सब जो कथा है, इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि हो क्या रहा है कि ये एन नंबर्स हैं, कुल मिला के कितने हमको मर्ज करने पड़ने, एन कर रहे हैं ना, ग्यारह है तो ग्यारह ही मर्ज करने पड़ते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन, मर्जिंग का टाइम ऑर्डर ऑफ एन है, यही इसमें बताया गया है। अब ये कैसे पता चलेंगे कि मर्जिंग में आखिर में क्या, आखिर में कब पहुंचेंगे, तो उसके लिए हम सेंटिनल लगाएंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लगाएंगे तो इनफाइनाइट से पता लग जाएगा कि इससे ऊपर तो कोई नंबर नहीं हो सकता। मैं आपको ये पढ़ने की जगह मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, देखिएगा पहले तो ये समझ लीजिए सीडो कोड क्या है। ये सीडो कोड ये बोल रहा है कि हमारे पास ये एन वन है, एन टू है, दो पार्टीशन है, दो पार्टीशन में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट बना रहे हैं, उसके बाद हम एक के लिए दो के लिए अलग अलग कर रहे हैं, फिर हम उसके बाद लेफ्ट और राइट को लेके हम साथ में मर्जिंग कर दे रहे हैं, ये मर्जिंग का ऑपरेशन। तो अब ये आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आते हैं इस पर। देखिए मैं इससे समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
मैं आपके सामने रख रहा हूँ 9 से लेकर 16 तक, कोई एक पूरा एक लंबा सा कोई एरे है। मैं चाहता हूँ कि आप 9 से लेकर 16 को मर्ज कर, मर्जिंग की बात कर रहा हूँ, तोड़ना तो समझ गया, अब मर्जिंग की बात कर रहा हूँ। तो हम 9 से लेकर 16 तक मर्ज करेंगे, तो मर्ज कैसे होगा? यहाँ से आई, इसको दो भाग थे इसके, 1 से लेकर 5 तक और 1 से लेकर 5 तक, ठीक। और ये 5 5 नहीं है, ये केवल 8 नंबर है। 9 से अगर 16 गिने तो आप यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर मिलते हैं। ये चार हो गए, चार हो गए, आखिर में आप इनफाइनाइट लगा दीजिए। ये सेंटिनल की बात कर रहा हूँ, ये सेंटिनल क्या काम करेगा आप देखिएगा अभी। तो पहले आई को जे के साथ कंपेयर करिए, कौन सा छोटा है, एक छोटा है ना, इसको काट दीजिए, यहाँ लिख दीजिए पहले नंबर पे। नाइन्थ वैल्यू थी उसमें 2 था, उसको 2 से रिप्लेस करके 1 कर दी। अब आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आया, कंपेयर करिए 2 और 2 को, कौन सा छोटा है, पहले कौन सा था, पहले कौन सा था, ये लिया था ना सबसे पहले, तो इस 2 को, इस 2 को रिप्लेस करेंगे जगह पे 4 पे, यहाँ पर 2 आ गया, 4 बढ़ा देंगे। अब आगे बढ़ जाइए, ये तो आगे बढ़ा हुआ है, 4 और 2 को कंपेयर करिए, कौन सा छोटा है, 2 छोटा है ना, 2 को उठा के आपको यहाँ रखना है इस 11 नंबर, और 2 को काट दीजिए। अब आई यहाँ आ गया, जे आ गया, 3 और 4, तीनों चार को कंपेयर करिए, तीनों चार को कंपेयर किया आपने, कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, तो आपको यहाँ उठा के रख दीजिए। और बाकी क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 3 को काट देंगे, ये काम का तो हो गया इसका। अब आई और जे 6 और 4 है, कंपेयर करिए, कौन सा छोटा है, 4 छोटा है, 4 को काट दीजिए, 4 को इसे रख दीजिए यहाँ पर, ये हमने रख दिया। फिर हम 5 और जे पे आ गए, आई और जे पता चला जा रहा है, ये यही कह रहा है, ये अलवर्थम यही कह रहा है, आई और जे हमारा कंपेयर होगा, 5 और 6, 5 को काट दीजिए, 5 को जगह पर रख दीजिए, यहाँ 5 को उठा के यहाँ रख दीजिए। अब 7 और 6 कौन सा छोटा है, 6 है, 6 को काट दीजिए, 6 को यहाँ रख दीजिए। अब आपका क्या बचा, 7, अब 7 को कैसे कंपेयर करेंगे, इनफाइनाइट से, ठीक। अब इनफाइनाइट से चेक कर लिया, इनफाइनाइट जो है वो 7 तो उससे कभी भी लड़ नहीं सकता, 7 तो हमेशा छोटा रहेगा, तो 7 का रख दीजिए। अब जब आई और जे दोनों इनफाइनाइट बन गए, जब आई और जे इस लेवल तक पहुंच गए इनफाइनाइट तक, तो हम रुक जाइए। और अल्टीमेटली आपने ये देखा, ये जो लाइन बनी है 9 से 16 तक जो नंबर थे वो सारे के सारे आपके क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए। और किस तरीके से मर्ज हुए हैं, ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो रनिंग टाइम क्या है, आपके पास N1 और N2 दो भाग थे, दो भाग को हमने लिया था, दोनों कंबाइन कर दीजिए N1 प्लस N2, क्योंकि N तो दोनों लग रहे हैं, कंपैरिजन होते लग रहे हैं, और हर एक कंपैरिजन आपका कॉन्स्टेंट टाइम ले रहा है, तो हमारा अल्टीमेटली टाइम ऑर्डर ऑफ एनी हो जाएगा, क्योंकि N नंबर्स है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है, ये वाला पार्ट जो आने वाला, ये आपको जब आप प्रूव करेंगे अपने मास्टर थ्योरम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगेगा कि ये आया कैसे, क्योंकि मास्टर थ्योरम में लोग ऐसे सीधा लिख देते हैं, आपको पता होना चाहिए ATN by B plus DN plus CN कहां से आए। तो रिकरेंस रिलेशनशिप डिवाइड एंड कॉन्कर है, इसमें हम TN को रनिंग टाइम मानते हैं, साइज आपका N है, N एलिमेंट आ रहा है, तो जो प्रॉब्लम साइज है अगर ये छोटा है, मान लीजिए N जो है बहुत छोटा है C से, कोई सब कॉन्स्टेंट C है, तो हमारा बेस केस आ गया, ब्रूट फोर्स झाड़ू लगा के हम पता लगा सकते हैं, तो कॉन्स्टेंट टाइम लेगा, तो ऑर्डर ऑफ वन कर दिया। अगर आप N को मानते हैं बहुत छोटा है C से, तो आपका ऑर्डर ऑफ वन आ जाएगा TN। लेकिन अगर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ए को जो अपना पूरा का पूरा जो ये एरे है या फिर आपका नंबर है, उनको हम ए पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और ईच 1 by b द साइज ऑफ द ओरिजिनल, यानी ए भाग में डिवाइड किया ए सब प्रॉब्लम्स, और हर एक जो प्रॉब्लम होगा वो 1 by b द साइज ऑफ ओरिजिनल होगा। मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, N/2 कर देते हैं, फिर N/4 कर देते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो ए और बी यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन हम इसको जनरलाइज करेंगे, ए और बी में ही रखेंगे। अब हम जब डिवाइड कर रहे हैं एन एलिमेंट को, तो DN हमने इसका टाइम मान लिया, एन एलिमेंट को डिवाइड करने का टाइम DN मान लिया। अब ए सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें, सबका साइज, हर एक का साइज N/b है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर TN/b हम माने, तो ए सब प्रॉब्लम है, तो A×TN/b ये टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए सब प्रॉब्लम। अब हम मान लेते हैं कंबाइन करने का टाइम CN हो गया, तो डिवाइड करने का टाइम DN, D से C, कंबाइन से CN इसका टाइम हो गया। अब तीनों को जोड़ दीजिए, ATN/b प्लस DN प्लस CN, ये आ गया। ये इस तरीके से एनालाइज किया जाता है, मर्ज सॉर्ट को एनालाइज करते हैं। मर्ज सॉर्ट मैंने जो बताया आपको N/2, मतलब आपको आधे आधे में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 2 आ गया, दोनों साइड N/2 N/2 आधे आधे पर बढ़ जाएंगे। बेस क्लास आपका कब आएगा, जब आखिर में आप एक नंबर पर पहुंच जाएंगे, अगर N 2 से बड़ा है, तो मर्ज सॉर्ट के 2 स्टेप होंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे, तो आपको डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप तो आधे में डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो आपको पता ही आधे में डिवाइड करना, तो ऑर्डर ऑफ वन लगेगा। कॉन्कर करेंगे जब आप दो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, यानी कि N था, N/2 अलग ले लिया, N/2 अलग ले लिया, तो 2TN/2 हो गया, ये आपका कॉन्कर वाला हो गया। मर्ज का करेंगे, आपको आखिर में N एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ऑर्डर ऑफ N टाइम, तो जो कंबाइन का टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ N, यहाँ पर लग दीजिए। DN आपका ऑर्डर ऑफ 1, CN आपका ऑर्डर ऑफ N, ये 1 और ये N, और जब ऑर्डर ऑफ, इसको तो हम छोड़ ही देंगे, बस 2TN/2 यहाँ से जो निकल के आया, मतलब इन तीनों को जोड़ना है, इसको इसको और इसको, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, तो देखिए, तो अगर N 1 से बड़ा है तो ये आ जाएगा, N=1 है तो आपका ये आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें आपके मास्टर थ्योरम से, तो सीधा ये ऑर्डर ऑफ N लॉगन आ जाएगा, अगर मास्टर थ्योरम से करें। और इंसर्शन सॉर्ट का अगर हम रिवर्स टाइम देखें, ऑर्डर ऑफ N स्क्वायर आता है, तो मर्ज सॉर्ट काफी फास्ट है, अगर ट्रेड करें N को लॉगन से, तो बहुत बड़ी डील है, बहुत फायदा हो जाएगा। छोटे इनपुट के लिए हो सकता है इंसर्शन सॉर्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन बड़े के लिए तो बिल्कुल लॉग N विल बी द
बेस्ट। क्या आप समझना चाहेंगे इसको मास्टर थ्योरम के अलावा, तो इस तरीके से देखते हैं करते क्या है। क्योंकि हम यहाँ पर बोल रहे थे कि हमारा ऑर्डर ऑफ वन है और ये हमने लिया था ऑर्डर ऑफ वन, और ये हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट टाइम मानते हैं। मैंने यहाँ कर था ना कि हमको ये ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा, बार बार हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट सी कंपेरिजन आर देयर, तो हम यहाँ पर सी लिख देते हैं अगर एन इक्वल टू वन है, और टू टीम बाई टू प्लस सी है जो हमने वहाँ पर ये लिखा था, ये ऑर्डर ऑफ है इसको हम सी है, क्योंकि नंबर ऑफ अगर हम माने कि आपके पास सी कॉन्स्टेंट है तो सी इंटू एन कर देते हैं। रिकर्शन ट्री बनाते हैं, यहाँ सी एन है, अगर एन है तो एन बाई टू, टी एन बाई टू, टी एन बाई टू टाइम पर डिवाइड हो जाएगा। टी एन बाई टू को अगर अच्छा ये सी एन टाइम ले रहा है तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो सी एन बाई टू टाइम लेगा, ये टी एन बाई फोर हो जाएगा, टी एन बाई फोर हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा चलता रहेगा। हर बार ये सी एन सी एन सी एन, आप इनको कंबाइन करके देख लीजिए आपको सी एन ही मिलेगा। लास्ट में भी ये सी 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 एक 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 मिल गया, आप मैं एक नहीं मान रहा हूँ इसको सी मान रहा हूँ, तो सी 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 चलेगा और ये एन एलिमेंट्स हो जाएगा, तो एन इंटू सी सी एन। तो टोटल टाइम कितना लगा, सी एन लॉग एन प्लस सी एन, ये हम अभी निकालेंगे, इस पर आप बिल्कुल तवज्जो मत दीजिए, इसको निकालने वाले यही हमारा मुद्दा है। इसका हाइट कितना हो गया आपको पता है, ये बाइनरी ट्री का हाइट कितना हो रहा है, लॉग एन, टू बेस है इसका, ठीक। जो इसकी हाइट होती है दैट इज ये अगर हम टू टू द पावर के इक्वल टू एन, बस इस तरीके से मान लीजिए। तो हर एक लेवल पे आपको सी एन मिल रहा है, हमने दो भाग में डिवाइड किया, सी एन बाई टू हो गया, सी एन बाई फोर हो गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है हमारा कि अलग अलग लेवल पे हम अलग अलग डिवीजन ले रहे हैं, और लेवल्स कितने हैं, लॉग एन प्लस वन, एक अपर वाला रूट वाला, तो लॉग एन प्लस वन हाइट लॉग एन है। लेवल्स बोल रहा हूँ यहाँ पर, अभी लर्निंग टाइम की बात नहीं, लेवल्स बोल रहे कितने लेवल्स है, ये लेवल्स की बात हो रही है, ये लेवल्स एक, ये एक दो तीन, इतने लेवल्स हो गए, जितना हाइट है उतना लेवल प्लस वन। तो बेस केस इंडक्शन लगाते हैं, बेस केस लगाते हैं n इक्वल टू 1, जब 1 इसमें रख दीजिए आप n की जगह 1 क्या आ जाएगा 1। इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम 2 की पावर i लेते हैं, 2 log 2 की पावर i क्या आता है देख लीजिए, और 2 2 टू द पावर i प्लस 1 रख के देखते हैं, log 2 i प्लस 1 रख के देखिए तो i प्लस 2 आ गया, तो i प्लस 1 के लिए i प्लस 2 भी वैलिड है, तो ये इंडक्शन से तो हमने कर दिया। लेकिन टोटल टोटल कॉस्ट क्या है, log n प्लस 1 तो लेवल्स है, और हर जगह पे कॉस्ट कितनी आ रही है, ये इतने लेवल्स है log n प्लस 1, हर एक जगह पे आपकी कॉस्ट आ रही है cn, तो मल्टीप्लाई करिए, ये ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए cn को log n प्लस 1 से, सी एन इंटू लॉग एन प्लस वन, दैट इज सी एन लॉग एन सी एन। तो ये एक्चुअली आपका, इसको तो हम छोड़ देंगे, सी एन सी एन लॉग एन के सामने छोटा है, तो अल्टीमेटली हमका हमारा जो ऑर्डर आ गया वो एन लॉग एन आ गया। आपने देखा कितने आसानी से हमने ये ऑर्डर निकाल लिया, और यही आपका डिवाइड एंड कॉन्कर ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लेके आया, जो कि कंसिडरेबल है, बहुत अच्छा एन स्क्वायर के मुकाबले। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।